सुप्रभात बच्चों, आज हम आप सबों के बीच एक कविता ला रहे हैं जिसका शीर्षक है आओ अच्छे बने। प्रस्तुत कविता डॉक्टर सिद्धया पुरानू द्वारा रचित है। डॉक्टर सिद्धया पुरानू जो स्वयं एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, अपनी रचना से इन्होंने हम सबों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। इनके द्वारा रचित यह कविता बहुत ही मार्मिक, सरल एवं अर्थ से परिपूर्ण है। देखने में ऐसी तो कविता बहुत छोटा लगता है, लेकिन भाव से यह कविता भरा हुआ है। उदाहरण के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप जरा ध्यान दें। हमारा भारत देश है बड़ा, हम छोटे बने तो कैसे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि हमारा भारत देश वास्तव में एक बड़ा देश है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। सवाल ही नहीं होता है उत्पन्न कि इतनी बड़ी भूभाग होने के कारण हम छोटा बने तो ये हमारे जमीन को हड़प ले। दूसरी है पंक्ति, हमारा देश है धनी, हम गरीब बने तो कैसे। हमारा देश वास्तव में धन संपदाओं से भरा पड़ा है, हम वास्तवों से अमीर हैं। हमारा देश जैसे हमारे देश में पर्वतों का खजाना है, हमारे देश में मिट्टी का खजाना है, हमारे देश में प्रत्येक वर्ष जो है मिट्टी बनती है जो उपजाऊ होती है, और यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान फसल पैदा करते हैं। इस प्रकार हमारी संपदा भी उपजाऊ है, हमारे वन जितने भी हैं सभी हमारी समृद्धि में चार चांद लगाते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि हमारा देश धनी है, हर दृष्टिकोण से हमारा देश भारत धनी है, अमीर है, और इस अमीर भारत में हम गरीब बन करके रह नहीं सकते। हमारा देश है नीति, हम नीतिहीन हो तो कैसे। हमारा देश नैतिकता प्रधान देश रहा है। अनादि काल से ही हमारे देश का नैतिक स्तर ऊंचा रहा है। यहाँ भगवान राम एक छोटा सा उदाहरण है। भगवान राम नैतिकता से नैतिक, भगवान राम का नैतिक स्तर बहुत ही ऊंचा था, क्योंकि वे सबरी के झूठे बैर को भी ग्रहण कर लिया। दूसरी ओर लक्ष्मण जिसने सबरी का झूठा बैर ग्रहण नहीं किया, उसे फेंक दिया, ये अनैतिकता था, जिसके कारण जो है अंत में वही संजीवनी बूटी उनके प्राण को बचाया था। तो हमारा देश शुरू से ही नैतिक मूल्यों का देश रहा है। यहाँ जो है नैतिकता से हम भारतवासी ओत प्रोत हैं, इसलिए कहा जाता है कि हमें नीतिहीन नहीं बनना चाहिए, हमें अपना मूल्य खोना नहीं चाहिए। हमारा देश श्रमजीवियों का, हम काम चोर हो तो कैसे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह समझाना चाहते हैं कि हमारे देश के देशवासी जो है वे परिश्रमी हैं, वे अपने मेहनत से देश को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। इसलिए हमें काम चोर नहीं बनना चाहिए, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें भी परिश्रमी बनना चाहिए। इसके बाद आता है हमारी शाला है विवेकियों की, हम अविवेकी बने तो कैसे। हमारे देश में विवेकी पुरुषों का कमी नहीं है,
हमारे देश में ज्ञानियों का भंडार है, हमारी शालाएं जो है, विद्या का जो केंद्र है वह ज्ञानियों से भरा पड़ा है। इसलिए यहाँ जो हम जिस संस्था से हम लोग जुड़ते हैं वहाँ जो है हम अविवेकी बन करके और ज्ञान बन करके नहीं रहना चाहिए, हमें भी विवेकता की ओर अग्रसित होना चाहिए। इस प्रकार समग्र दृष्टि से कवि डॉक्टर सिद्धया पुराणिक बतलाते हैं कि आओ हम अच्छे बने, यानी हम इन सभी गुणों को समझते हुए, बताए गए कवि के गुणों को समझते हुए हम अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करें और भारत की शान में चार चांद लगाएं, भारत के शान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।